हेलो श्याम गुरु मेरी आवाज़। फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं कि मेरा प्यार वो है। चलो रुद्र भैया शाबाश बजी है। मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमसे जुदा अपनी बाहों से होने न दे। मिले मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा की कसम मैं तुम्हें मांग लूंगा। लेकिन माता जानकी का स्वयंवर हो रहा था। जय हो, जय हो। और इसी पर बिल्कुल मैं आज तो सुन के जाऊंगा। मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमसे जुदा अपनी बाहों से हो। मेरा प्यार वो है महान मूर्ति है। केवल इस महान मूर्ति के सानिध्य में हमने जवाबी गाया। अब तो हमें बहुत साल हो गई इसको छोड़े हुए, लेकिन जब तक गाया और यहां से शुरुआत हुई हम इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। जय हो, जय हो, जय हो। इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर बरदहस्त था। इसी कॉलेज में हमारे गुरु बने भूपेंद्र शर्मा जी, भूपेंद्र मासाब और हरिओम शर्मा जी। उनका नाम मास्टर संकीर्तन मंडल और हमारा मंडल का नाम छात्र संकीर्तन मंडल। इसी को कहते हैं गुरु शिष्य का नाता। कि हारे मही पते हो जाओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे नूतन भाई। क्या बात है लाल। हारे महीपत बल आजमा कर जनक राज ने तब वचन है सुनाए। धनुष की करामात। बहुत सुंदर भैया। कितना बड़ा धनुष था जिस पर 10,000 राजा एक साथ उठाने के लिए लगे। लेकिन ना
भूप सहस दस ओ सहस्त्र बाहु अर्जुन दस सहस्रो भुजा जिसकी सहस्रो भुजाएं थी सहस्रा बाहु अर्जुन वो भी था लेकिन बाणासुर हाँ जय हो भूप सहस दस कई बार लगे उठा बन तरह ना जब ये हाल देखा जनक राज ने तब उन्होंने कहा क्या कहे देश देश के राजागण हम किसे कहे बलशाली है हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है यदि पहले मालूम होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो मेरी हंसी नहीं होती जाओ उठो जाओ उठाओ आसरा छोड़ प्रस्थान अपने अपने घर जाओ मंच से उतरो जाओ अपने घर आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं दाता ने ये तुम्हारे बस की बात नहीं है ना हारे महीपत पल आज अगर हो प्रभु का अचानक खड़े हो गए क्रोध में आकर नगराज अगर हो प्रभु का आदेश मुझको अगर हो प्रभु का आदेश मुझको घटाओ के मुख को मही मोड़ दूं जनकराज जी जो तुम्हारी गम की घटाओं के बादल जो उमड़ रहे ना रुख मोड़ दूंगा अगर अगर हो प्रभु का आदेश मुझको घटाओं के रुख को अभी मोड़ दूंगा और ये तो धनुष है ये तो धनुष है ये धनुवा तो क्या है ये धनुवा तो क्या है ब्रह्मांड को भी कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा ये धनुवा तो क्या है ब्रह्मांड को भी कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा ये धनुवा तो क्या है सुनिए इशारा दिया लक्ष्मण जी को लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी को आप जानते ही किस प्रवृत्ति के थे फिर भी जाते जाते उन्होंने यही कहा जो तुम्हार में आयस पावो तो कंदुक सब ब्रह्मांड उठावो आदेश बच्चन सुन सिया के सुनिए इसको
कहते हैं शुद्ध ढोला। पहली बार हाँ लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा अगर हो प्रभु का आदेश मुझको तो घटाओ के रुख को अभी मोड़ दूंगा। ये धनवा तो क्या है ब्रह्मांड को भी कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। आगे चलिएगा दूसरे बंद में सुनिए। कपीश्वर हनुमान जी मुद्रका लेकर के पहुंचे सीता की खोज के लिए। मुद्रका डाल दी, सीता जी ने मुद्री उठाई और पूछा ये कौन लेके आया है। हनुमान जी सामने आए, सूक्ष्म रूप धर के सीता जी के पास पहुंचे। कहा मातेश्वरी ये अंगूठी को मैं ही लाया हूं। विश्वास नहीं हुआ माता जानकी को। सुनिए वचन सुन सिया के शंकर सुवन ने श्री राम कह कर वदन को बढ़ाया। श्री राम कह कर वदन को बढ़ाया। श्री राम कह कर वदन को बढ़ाया। सुनिए कि जब रूप बिकरा हनुमत का देखा जनक नंदनी को विश्वास आया। जनक नंदनी को विश्वास आया। जनक नंदनी को विश्वास आया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। इस गाने में चौपाई चल रही है केवल ये है मैटर। और जब ये बात आई तो हनुमान जी ने कहा कि माँ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना ना। अब माँ तुम्हें जाओ लवाई लेकिन समस्या ये है कि प्रभु आयस नहीं है। राम तो है माँ मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है और बिना प्रभु की आज्ञा के मैं तुम्हें यहाँ से ले गया तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा टूट जाएगी। सुन सिया के शंकर सुवन ने श्री राम कह कर बदन को बढ़ाया। श्री राम कह कर बदन को बढ़ाया। जब रूप बिक्रा हनुमत का देखा जनक नंदनी को विश्वास जनक नंदनी को जनक नंदनी को जनक नंदनी को के रावण तो क्या है सभी राक्षसों को। माँ आपको विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ ओह रावण इज नथिंग। ये रावण तो क्या है सभी राक्षसों को लंका सहित सिंधु में छोड़ दो। तो क्या है लेकिन कब छोड़ दो। रावण तो क्या है सभी राक्षसों को लंका सहित सिंधु में छोड़ दूंगा लेकिन समस्या यह है अगर हो प्रभु का आदेश मुझको अगर हो प्रभु का आदेश मुझको घटाओ के रुख को अभी मोड़ दूंगा। अंतिम लाइन सुनिए अंतिम लाइन इसी पर ये
ये दादा राम भरोसी भेमरी वालों की तरफ से 50 मुद्राएं हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा, कहला पैर मेरा ना किसी पे सभा में, और तू अपने मन में बनता धुरल दरे, मुझको है कूलर। अंगद ने देखी कितनी बड़ी बात कही, रावण ये तेरी लंका मेरे कूलर के समान है, जब चाहूं तब उसका पान कर लूंगा। तेरी ये लंका मुझको है कूलर, तेरे लिए मैं हूं एक बंदर, मुझे प्रभु ने आदेश नहीं दिया। ना ना ना, अंगद ने यहां भी कहा है, मुझे प्रभु ने आदेश नहीं दिया, अन्यथा रामू कहे रेशम, रामू कहे रेशम आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा नहीं थी। रामू कहे रेशम आज्ञा नहीं है, पर ना ये दसो मुख अभी तोड़ दो, अगर हो प्रभु का आदेश मुझको घटाओं के रूप को अभी मोड़ दो, अगर हो प्रभु कड़फीस। एक गीत इन्होंने ऐसा गाया है और बार बार उस पर कर्राई हो रही थी, लाना अच्छा देखिए कोच से हर से दे देंगे दे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुझसे जुदा अपनी बाहों से होने न दे, क्या बात प्यार वो है होने न दे, मेरा प्यार वो है जो
मन कर भी तुझसे जुदा अपनी बाहों से हो ले न दे इनके में चौपाई लगी हुई है। मेरे देख विशेष बात है चौपाई तो चौपाई सुनिए विशेष बात सुनिए चौपाई सुनिए संजय भाई बात उन्होंने की लेकिन बिल्कुल अलग लाइन जिस समय मेघनाथ को ये वरदान था उस मेघनाथ को एक वरदान था लेकिन उससे उस मेघनाथ के लिए स्वयं देखिए जब वो मेघनाथ युद्ध स्थल में और जब वहां संग्राम हो रहा है तो मेघनाथ के सामने जामवंत पहुंच जाते हैं और जामवंत क्या कह रहे हैं क्या सुनिए इसको वरदान था ये उनके मारने से मर नहीं रहा है यहां पर भी चौपाई है। अब देखिए लाइन वही है कि अगर आदेश तो सुनिए मेघनाथ से जब मारे मराना असुर अत्याचारी वरदान के बल से जिंदा ही पाया और जब वरदान के बल से उसको जिंदा पाया तो अब होता क्या है यहां पर भी एक चौपाई है कि वर प्रसाद सो मरण न मारा बर प्रसाद सो मरेन मारा और तब कहे पद लंका पर डारा। नोट करें हमारे शर्माजी और जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ पैर पकड़ करके जामवंत ने लंका में फेंक दिया जो नहीं मरा पैर को पकड़ के कहा ये बात सम्मानी हमारे प्रधान जी के कर कमलों द्वारा ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है। क्या हुआ आज बताया पैर को पकड़ के लंका में फेंका इसकी मिट्टा में सभी होड़ दूंगा है होड़ दूंगा क्या बात इसकी मिट्टा में सभी होड़ दूंगा है सभी होड़ दूंगा अगर हो प्रभु का आदेश मुझको नींबू जोड़ दूंगा नींबू के जैसा से छोड़ दूंगा नींबू के जैसा से छोड़ दूंगा नींबू के जैसा से छोड़ दूंगा और ये
501 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी हमारे राजू गायक जरेरा की तरफ से आशीर्वाद है। हाथ खाते वंदन अभिनंदन है। नींबू के जैसे आइए केवल अपनी तरफ से कोशिश एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।